नहीं, मंत्री तो सभी जो बीजेपी के हैं और सभी जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है उनके सभी के मंत्री उधर है। तो मतलब आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो शपथ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूं और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। क्या आपके पास सेम मंत्रालय रहेगा या कोई दूसरा मंत्रालय? तो मंत्रालय जो भी देगी, अभी आज तो शपथ होगी, उसके बाद कल तय होगा किसको मतलब मंत्री पद मिलने वाला है, तो मतलब कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, मतलब जो भी मुझे पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें मैं खुश रहूंगा, मैं समाज का काम करता रहूंगा। पीएम के साथ चाय पे जो चर्चा हुई, कितने मंत्री थे लगभग वहां पे? वहां कम से कम 68 मंत्री थे, मतलब चाय पे चर्चा, वहां फोटो भी निकाला गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री पद मिलने के बाद अपनी क्या जिम्मेदारी है, अपन कैसा लोगों का काम करने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में कैसा जाने की आवश्यकता है, उसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया और हम चाय पीकर हम इधर आ गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।